जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी हूं आरजाट। आज इस सेशन में लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर मास्टरों का बहाल बेहाल कर दिया है और इसके अंदर क्या है मामला, आज इस ताजा खबर का आज एक्सप्लेन देखेंगे। सेशन में आगे बढ़ते हैं, तमाम बातें बताते रहते हैं। इसके लिए आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम पर डेली न्यूज भेज देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू दे देते हैं। अब आगे इसके अंदर बताते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देखो ये न्यूज आप सभी के सामने, शिक्षा विभाग की ओर से 2019 में निकल चुका था आदेश जिसके अंदर सरकारी शिक्षक स्कूलों में नहीं रख सकेंगे मोबाइल, प्रिंसिपल के साथ रखना होगा जमा। तो इसके बाद इसके अंदर आपके 2019 का वीडियो वायरल था, जो वीडियो क्या है आदेश जारी हुआ था कि स्कूलों के अंदर मास्टर अपना नहीं ले जा सके मोबाइल, और ले गए हैं तो प्रिंसिपल के पास जमा करवा दो, बीच में मत चलाओ। तो इसके अंदर एक फिर से पुराना मंत्री जी का ट्वीट और मंत्री जी का वीडियो और इस टाइप का वायरल किया जा रहा है जिसके अंदर मंत्री जी मोबाइल पर रोक को 1.5 महीने पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसके अंदर 30 अप्रैल उड़ीसा के अंदर सोमवार को उनका आचार संहिता से पहले एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्कूलों में मोबाइल पर रोक लगाई जाए। उसका तर्क है कि स्कूलों में पूरे दिन शिक्षक शेयर मार्केट करते रहते हैं और उनका जो आपका ना जाने क्या क्या देखते हैं, अगर कोई शिक्षक स्कूल में मोबाइल लेकर आएगा तो प्रिंसिपल जमा करना होगा और स्कूल की छुट्टी होने पर वह मोबाइल ले जा सकता है। दिलावर का यह वीडियो आचार संहिता से पहले कोटा का है वायरल वीडियो। दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री अपने आवास पर मीडिया को बात करते हुए ये बात बताइए, 5 साल पहले ही निकल चुका था यह आदेश तो 5 साल पहले का है, 2019 के अंदर, अक्टूबर 2019 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर आपका देख सकते हैं मंत्री जी ने एक बार फिर से ट्वीट करके बताया है, फिर से बोल के बताया है। मंत्री जी बोले कुछ अध्यापक पूरे समय मोबाइल पर ही लगे रहते हैं और इसके अंदर प्रदेश सकते जो ये मामला तो चलता रहेगा, इन्होंने स्पष्ट ये बात कर दी है। लेकिन मंत्री जी को एक मैं बात कहता हूं कि मंत्री जी इस बात से कुछ नहीं होने वाला, आप भर्ती पे बात करिए। बेरोजगार आपसे भर्ती चाहता है, नैप की ये न्यूज़ें चाहता है, बेरोजगार आपसे भर्ती चाहता है। इस बातों पे एक बेरोजगार ने लिखा है, मंत्री जी की इन बातों पे बेरोजगार ने लिखा है कि बेरोजगार सवाल पूछता है मंत्री जी अध्यापक भर्ती कब आएगी, तो मंत्री जी यहाँ से जवाब देते हैं हम एक पेपर करवाएंगे भाई साहब, एक पेपर करवाएंगे। यहाँ पे बेरोजगार पूछता है लेकिन भर्ती कब आएगी मंत्री जी ये तो बता दो, तो यहाँ पे मंत्री जी बोलते हैं रुको हम ऐसा करते हैं कि सबको स्थायी नौकरी दे देते हैं ताकि किसी को बेरोजगारी नहीं लगेगी। फिर से बेरोजगार पूछता है मंत्री जी भर्ती कब आएगी, हम तो भर्ती मांग रहे हैं, तो यहां से जवाब आता है हम रिटायर्ड आर्मी को बीएड के समकक्ष मान के आपको मास्टर बना देंगे। अरे तो बेरोजगार आपसे भर्ती पूछ रहा है भर्ती कब आएगी, और आप न्यूज देते हो आज से स्कूल में मोबाइल बंद, और मोबाइल बंद का आदेश 5 साल पहले ही जारी हो गया, क्या घंटा न्यूज दे रहे हो भर्ती नहीं निकाल सकते शिक्षक की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों की भर्तियां निकालिए, कितना टाइम हो चुका है भर्ती आए हुए, अब आचार संहिता के बाद कुछ तो आदेश करिए। अब शिक्षा मंत्री आदेश नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा इस संसार का होगा क्या। बेरोजगार इधर तरस रहा है भर्ती के लिए, जवाब दिया जा रहा है ये एक बेरोजगार का दर्द है, मैंने आपके सामने पेश किया। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।